नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 36वें दिन की सुनवाई में हिंदू पक्षों को आज अपनी जिरह पूरी करनी है। इस पृष्ठभूमि में मुस्लिम पक्ष के बहस का जवाब देते हुए रामलला विराजमान की तरफ से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ ने एएसआई की रिपोर्ट पर दलीलें दी। उन्होंने तस्वीरों के जरिए यह बताया कि विवादित ढांचों के नीचे पिलर था, विवादित ढांचों के नीचे एक संरचना मौजूद थी। वकील वैद्यनाथ ने अलग अलग सबूतों के जरिए यह बताया कि केंद्रीय गुंबद ही भगवान राम का जन्म स्थान है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि यह कैसे साबित होगा कि ढांचे के नीचे जो खंभा के आधार मिले थे वो एक ही समय के हैं। रामलला के वकील वैद्यनाथ ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि 46 खंभे एक ही समय के हैं। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम पक्ष खाली जगह पर मस्जिद निर्माण की बात कह रहा था, अब वो ईदगाह पर मंदिर निर्माण की बात कह रहा है। खुदाई में मिले कमल की आकृति सर्कुलर श्राइन सब वहां मंदिर की मौजूदगी को साबित करता है और ये सब संरचना उत्तर भारतीय मंदिरों की खासियत है। वैद्यनाथ ने अपनी जिरह पूरी की। उसके बाद मुख्य याचिकाकर्ता गोपाल सिंह की ओर से वरिष्ठ वक्ता रंजीत कुमार ने जिरह की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बार फिर साफ कहा कि हिंदू पक्ष को आज शाम 4 बजे तक ही सुनेंगे। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन को सुनेंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को 35वें दिन की सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील ने भागवत गीता के कुछ श्लोक को पढ़ा था और एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले स्थान पर जोर दिया। खुदाई में मिली कमल की आकृति परनाला की उपस्थिति ये साबित करता है कि मंदिर की रचना वही है, क्योंकि यह उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषताएं हैं। पराशरन ने आगे कहा कि अगर लोगों का विश्वास है कि किसी जगह पर दिव्य शक्ति है तो इसको न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है जिसका दिव्य अभिव्यक्ति से कोई अंतर ना हो। पराशरन ने कुल्लोर मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा था कि कुल्लोर मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं है और केवल एक दिया जलता है जिसकी पूजा की जाती है। राजीव धवन ने पराशरन की दलील पर टोकते हुए कहा था इनके सभी उदाहरण मंदिर में थे, यह एक मंदिर के रूप में बताया गया। राम मंदिर को लेकर आज 36वें दिन की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। शाम 4 बजे तक ही हिंदू पक्ष के वकीलों को सुना जाएगा। आप राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं हमें अपने राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीएन न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।